हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। हमारी जो ये पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, इससे प्रीवियस वीडियो आप चेक करिए, उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में हमने टेक्स्ट बुक कवर की थी अपनी, कि टेक्स्ट बुक के क्या यूजेस हैं, कैसे इवैल्यूएशन करना है, जब उसको बनाते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके एक्सटर्नल यूजेस क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी बातें क्या हैं हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टीचर्स गाइड, यानी कि शिक्षक निर्देशक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है। मतलब वो भी एक तरह की टेक्स्ट बुक है, लेकिन वो फॉर मतलब वो टीचर्स के लिए है। ठीक है, नॉट फॉर आर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर ओनली आर टीचर्स। ठीक है, अब बात करते हैं टीचर्स गाइड क्या होती है। इससे पहले जब हमने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी वो थी हमारी स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें क्या आ रहा है, आपका शिक्षक आ रहा है, यानी कि टीचर आ रहा है, यानी कि टीचर गाइड, जो टीचर को गाइड करे। तो ये आपके स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये आपकी टीचर्स के लिए होती है। ठीक है, अब टीचर्स को इसकी क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है टीचर को? टीचर तो अपने सब्जेक्ट में वो इतनी मेंटली प्रिपेयर भी है, उसकी एजुकेशन भी इतनी है, उसका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होगा जो वो पढ़ा रही है, तो टीचर्स गाइड की क्या उसको ज़रूरत है? मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया था, एक एग्ज़ाम्पल दिया था टेक्स्ट बुक वाली वीडियो के अंदर, कि जब अपनी उस टीचर ने जो आपको पढ़ा रही है, जब उन्होंने टीचिंग करी होगी, सॉरी लर्निंग करी होगी, तो उस टाइम पे उनके कॉन्सेप्ट, उनके कंटेंट क्या हैं डिफरेंट होंगे, और जो आज की पाठ्य पुस्तकें हैं, आज का कंटेंट है, आज की जो उन्हें नॉलेज देनी है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इसीलिए टीचर्स को भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आपको कब कितना कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, क्या क्या स्किल यूज़ कर सकते हैं आप, क्या क्या एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों को पहले से प्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन कौन से आप ऑन द स्पॉट्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपने स्टडी मटेरियल से अलग अलग जो आप एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो एक टीचर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराती है, जो एक टीचर की हेल्प करती है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो होती है हमारी टीचर गाइड। ठीक है, जिसमें टीचर के लिए सारे वो निर्देशन, सारे ऐसी यूज़फुल चीज़ें होती हैं जो उसकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग और बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बनाती है। ठीक है, अब ये पता चल गया आपको टीचर्स गाइड क्या होती है। अब उसके बाद बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मैरिट और विशेषताएं टीचर गाइड की, यानी कि शिक्षक निर्देशिका की। ठीक है, कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, क्यों हमें टीचर गाइड्स का यूज़ करना चाहिए और किस लेवल पे करना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट आता है कि हमें जो हम टीचर गाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं टीचर्स के लिए, वो ऐसे अनुभवियों, ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे जीनियस लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए जो उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा माहिर हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, साइंस पढ़ा रही हूँ, तो मैं टीचर हूँ और मेरा लेवल इतना है, लेकिन जो मुझे गाइड कर रहा है, मैं किसको गाइड कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ, तो मेरा लेवल क्या है, उनसे ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन जो मुझे गाइड कर रहा होगा, जो मेरे से भी ऊपर है, तो उसका लेवल भी क्या है, मुझसे ऊपर होना चाहिए यहाँ पे जो भी मुझे गाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी मेरे लिए टीचर्स गाइड प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि एक टीचर के लिए शिक्षक निर्देशिका बुक को बना रहा है जिससे वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके और यूज़फुल बना सके, अगर तो वो ऐसे बंदों के थ्रू, ऐसे लोगों के थ्रू, ऐसे एक्सपर्ट्स के थ्रू या जीनियस के थ्रू बनाई जानी चाहिए जो उस सब्जेक्ट में या उस चीज़ में बहुत माहिर हो, जिनको स्किल्स का यूज़ करना आता हो, जिनको टेक्निक्स पता हो, जिनको मेथड्स पता हो। उसके बाद कि शिक्षक निर्देशिका बुक में ये भी ध्यान रखना चाहिए
या फिर जो भी बुक को बना रहा है उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हर चैप्टर के लिए, हर लेवल के लिए आपको किस समय पे कौन से मेथड यूज़ करने हैं, कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ करने हैं, टेक्निक्स या स्किल यूज़ करनी है, वो चीज़ आपकी टीचर्स गाइड के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए जिससे टीचर उसको इजीली यूज़ कर सके। ठीक है, इसके बाद जो हम पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा कि जिन टीचर्स की अपने प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जिन टीचर्स को अपने किसी सब्जेक्ट के अंदर, उसके लिए हमें टीचर्स गाइड बहुत हेल्प करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे थोड़ा सिंपल चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं, थोड़ा लेवल क्या है टफ होता चला जाता है, तो वहाँ पे क्या है टीचर्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने भी पहले नहीं पढ़ी होती। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे सिंप्लीफिकेशन थोड़ी होती है या परसेंटेज होती है, प्राइमरी क्लासेस की जो टीचर है अगर वो एलिमेंट्री क्लासेस को पढ़ाने लगे तो सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज वाले पॉइंट में क्या होगा, उनको खुद को थोड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो उस लेवल पे टीचर्स गाइड टीचर की हेल्प करती है कि आपको कहाँ पे किस कॉन्सेप्ट्स को किस मेथड के थ्रू इजी वे में पढ़ाना है और किस थ्रू पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आता है कठिन बिंदुओं को, यानी कि जो थोड़े कॉम्प्लेक्स पॉइंट होते हैं टीचर के लिए, उनको इजी वे में स्पष्ट करने के लिए, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए हमारी टीचर्स गाइड हमारी टीचर्स के लिए हेल्पफुल होती है। और उसके बाद कि टीचर्स के लिए कुछ क्रियाकलाप, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ हमारी टीचर्स गाइड में अवेलेबल होती है जिसके थ्रू टीचर क्या है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है बहुत इजी और इफ़ेक्टिव बना सकती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीचर्स गाइड टीचर के लिए उस टाइम पे भी यूज़फुल होती है, उस टाइम पे भी उसके लिए बनाई जाती है। टीचर्स गाइड जो बनाई जाती है वो इसलिए भी बनाई जाती है कि जब टीचर्स के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल ना हो, किसी कारण से टेक्स्ट बुक ना मिली हो या उससे मिस हो गई हो, तो उस टाइम पे जो कंटेंट है, जो बुक्स का कंटेंट है, वो भी हमारी टीचर्स गाइड के अंदर होना चाहिए। तो ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं सारी, यानी कि मेरिट्स हैं कि क्या क्या विशेषताएं टीचर गाइड्स बुक में होनी चाहिए जो हम ध्यान रख के एक टीचर गाइड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कम समय में ही विषय वस्तु को समझाने के सरल रास्ते और साधन होने चाहिए। मतलब टीचर गाइड के अंदर कम समय में किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए जाने चाहिए टीचर्स गाइड में। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं कोई बुक से रिलेटेड बच्चों को कंटेंट पढ़ा रही हूँ, तो बुक्स में क्या है प्रॉपर इतना लंबा चौड़ा सारांश या कंक्लूजन या ये सारी चीज़ें दी होगी, आप पूरा पार्ट पढ़ोगे तब जाके आप उसका कंक्लूजन निकाल पाओगे कि ये पार्ट कह क्या रहा है। ठीक है, वही चीज़ क्या है आपकी शॉर्ट में एक टीचर्स गाइड के अंदर रखी होनी चाहिए कि ये पार्ट कंक्लूजन के तौर पे ये बोलता है, ताकि टीचर को ज़्यादा टाइम भी ना लगे, वो फटाफट अपना रिवाइज करे और प्लान करे कि ये पढ़ाना है और ये क्या कह रहा है, देन वो उस चैप्टर को अच्छे से बच्चे को एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद एक पॉइंट आता है, इसको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। शिक्षक मार्गदर्शिका के द्वारा शिक्षक राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हुए परिवर्तनों का अध्ययन कर छात्रों को उनसे अवगत कराए। मतलब जो शिक्षक निर्देशिका है हमारी, टीचर्स गाइड है, उसके अकॉर्डिंग उसमें वो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि जो हमारे नेशन और स्टेट के थ्रू जो टीचर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए, जो एजुकेशन के थ्रू जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसके अंदर रखे होने चाहिए पॉइंट, जिससे वो टीचर्स भी क्या है अवगत हो सके और बच्चों को भी उसके बारे में बता सके कि पहले ये चीज़ें हुआ करती थी, अब ये चीज़ें हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी,
अब ये चीज़ें हैं या अब ये फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो इस वे में क्या है, टीचर्स को टीचर गाइड के अंदर ये चीज़ें रखी होनी चाहिए टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स उसका एक अप्रोप्रिएट यूज़ करके बच्चों को उसके बारे में बता सके। उसके बाद एक विशेषता टीचर्स गाइड की ये है कि टीचर्स गाइड थोड़ी रोचक होनी चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। टीचर्स गाइड ऐसी होनी चाहिए कि वो टीचर्स के लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, बल्कि उसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत क्लियर करे, और उसके अकॉर्डिंग इतने एग्जांपल्स होने चाहिए कि टीचर्स को उतनी क्लैरिटी हो जाए जितनी कि उसे बच्चे को समझानी या पढ़ानी है। उसी के साथ साथ टीचर गाइड इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि एज अ टीचर मुझे भी पढ़ने में मज़ा आए और समझने में मज़ा आए। ये नहीं कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग और रोचक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है, इतनी बच्चे जल्दी क्या है, एक चीज़ को लेके जल्दी उदास हो जाते हैं या बोरिंग फील करने लगते हैं। टीचर के साथ भी ऐसा ही है, उसका भी तो नेचर है, उसके पास भी फीलिंग्स हैं, तो इसीलिए टीचर भी बोर हो सकती है। अगर मैं आपके सामने खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ तो शायद मैं भी एक घंटे के लेक्चर के बाद थोड़ी बोर हो जाऊँ, ब्रेक लेने चली जाऊँ। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि टीचर बड़ी हैं एज में या उनका मेंटल लेवल स्ट्रांग है या बाकी सिंह, तो उनको बोरियत नहीं होती है, बाकी कुछ नहीं। सारी चीज़ें ये पॉइंट एज अ टीचर, मतलब टीचर को ध्यान में रखकर भी टीचर्स गाइड्स में होने चाहिए कि वो इंटरेस्टिंग हो, इफ़ेक्टिव हो, उसमें इतने एग्जांपल्स हो कि टीचर समझ सके, और कंक्लूजन पर दिए हो कि शॉर्ट में हो, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट है इसका करेक्टरिस्टिक्स में, वो ये है कि जिस लेवल के लिए, जिस एज लेवल के लिए या जिस कक्षा के लिए टीचर्स गाइड बनाई जा रही है, मतलब मान लीजिए टीचर्स गाइड भी तो किसी कंटेंट से रिलेटेड, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड और टीचर के लिए बनाई जाती है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाए जिस श्रेणी के लिए वो टीचर्स के लिए यूज़फुल बनाई जा रही है। तो एक शिक्षक या टीचर के एक ग्रुप के साथ पहले डिस्कशन करके कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड हैं, क्या उनकी स्किल्स हैं, क्या उनकी टेक्निक्स हैं। हो सकता है कि एक टॉपिक पे हर टीचर की क्वालिटी अलग हो, हर टीचर की स्किल्स अलग हो, हर टीचर के मेथड्स अलग हो। तो अगर जब शिक्षक निर्देशिका बुक रेडी की जाती है, जो एक्सपर्ट्स हमारे रेडी करते हैं, अगर वो ये काम करें कि टीचर और एक टीचर को या एक टीचर के ग्रुप को या अपने जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर एक प्रॉपर डिस्कशन करें कि ये वाले टॉपिक के ऊपर अप्रोप्रिएट तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से लर्निंग कैसे करवाई जा सकती है, कौन से मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, तो हो सकता है कि एक कॉमन सा मेथड हमें वहाँ मिल जाए, कॉमन सी टेक्निक वहाँ मिल जाए जो सभी टीचर के लिए यूज़फुल हो। वरना अगर उससे अलग, हो सकता है कोई टीचर किसी फॉर्मूले से पढ़ा रही है, कोई किसी से, कोई किसी मेथड से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को शायद एक से समझ आए, एक से नहीं। लेकिन हमें अगर एक कॉमन ऐसा मिल जाए चीज़ कि जिससे सभी को समझ आए, वो टीचर के लिए भी हेल्पफुल हो और स्टूडेंट के लिए भी, तो वो चीज़ बेस्ट है। तो ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हमारा यही है इसमें कि जो टीचर्स गाइड बनाई जा रही है उसमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि सबकी आवश्यकता हो, यानी कि सबकी नीड्स पर ध्यान देना है कि सबकी कितनी कितनी आवश्यकताएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, और उनको हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर गाइड, ठीक है। जैसे हमने टेक्स्ट बुक की एक्सटर्नल क्वालिटीज़ पढ़ी थी, बाह्य गुण जो पढ़े थे मार्गदर्शिका के या पाठ्यपुस्तक के, वो चीज़ अब हम शिक्षक मार्गदर्शिका के बाह्य गुण पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वही सेम कि इंटरेस्टिंग लगे, आकर्षक लगे, अट्रैक्टिव हो, जो भी टीचर निर्देशिका बुक बनाई जा रही है वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि टीचर्स भी उसको खोल कर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। ये नहीं कि हमें मिली, हमने ली और
अपने स्टाफ रूम में एक अलमीरा में डाल दी, बात खत्म। ठीक है, क्या पढ़ना, बेकार का टाइम वेस्ट, पहले ये पढ़ूँ, फिर बच्चों को पढ़ाऊँ, फिर होमवर्क दूँ, फिर प्री प्लान करूँ, ये सारी चीज़ें क्या टाइम वेस्ट है। ठीक है, टॉपिक को देखूँगी, उसी टाइम पे दिमाग में जो जो आएगा पढ़ाती जाऊँगी। ठीक है, तो इसीलिए इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए शिक्षक निर्देशिका बुक भी, कि टीचर्स भी उसको खोलने पे मजबूर हो जाए उसको पढ़ने के लिए, कि हाँ मेरे को ये अवेलेबल कराई गई है तो इसको इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, बाहर से ही इतनी अच्छी लग रही है, तुम खोल के तो देखो उसमें क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाई हुई है कि मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है कि वही जिल्द मजबूत होनी चाहिए जो उसकी बाइंडिंग है, और कि जल्दी फटे ना, उसके पन्ने अच्छे होने चाहिए पुस्तक के कि जल्दी ख़राब ना हो, लिंक फेड ना हो, काले अक्षर होने चाहिए, मोटे और बड़े होने चाहिए। बड़े और मोटे क्यों होने चाहिए टीचर्स के लिए, देखिए स्टूडेंट्स के लिए तो इसलिए बड़े होने चाहिए कि जो बच्चे जैसे बैक से बेंचेस पे बैठे होते हैं, या किसी की आई साइड वीक होती है, या कोई धीरे धीरे पढ़ता है एक एक शब्द को समझ के, तो इस वे में, और बच्चे जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं हर वर्ड को, इसीलिए बच्चों के लिए क्या है बड़े और काले अक्षर होने चाहिए मोटे। लेकिन टीचर्स के लिए क्यों होने चाहिए, क्योंकि टीचर का भी जो एज लेवल है वो डिफरेंट होता है। ये तो नहीं ना कि आपको एक स्कूल के अंदर सारी यंग टीचर मिलेंगी, वहाँ पे बहुत एजिड भी होंगी और रिटायरमेंट वाली स्टेज पे भी होंगी जो टीच कर रही हैं, तो उनका क्या है उम्र के साथ थोड़ा आई साइड वीक हो जाता है या कुछ, तो इसीलिए उनके लिए भी अक्षर इतने बड़े मोटे और गहरे रंग में होने चाहिए ताकि वो अप्रोप्रिएट पढ़ सके और पढ़ा सके। ठीक है, उसके बाद आता है कि हाँ शिक्षकों को निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए, जो हमारी टीचर्स गाइड है वो टीचर्स को निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी टीचर उसको खरीदेगी नहीं, क्योंकि टीचर फिर उसको क्यों खरीदेगी, अपने पैसे क्यों वेस्ट करेगी, वो तो सोचेगी हमें टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, बाकी हमें पता ही है कैसे पढ़ाना है, तो बच्चों की बुक लूँगी, एक दिन पढ़ूँगी और जाके क्लास में पढ़ा दूँगी। तो इसीलिए टीचर्स को क्या है टीचर्स गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करानी चाहिए स्कूल के अंदर, जिससे टीचर क्या है तो वो भी ना हो कि मुझे नहीं लेनी, पैसे नहीं है, या इस तरह की कंडीशन वहाँ पर उत्पन्न ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है सरल और प्रभावीशील ढंग से समय समय पर क्या है सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, मतलब जो टीचर्स गाइड के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं टीचर्स के लिए, जो कुछ भी बातें बताई गई हैं उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए, या एक प्रभावशाली रूप से अप्लाई करने के लिए, या किसी टीचर के लिए अच्छा बनाने के लिए, टीचर्स को उनके यूजेस बताने के लिए, किस टाइम पे यूज़ करना है ये बताने के लिए, टाइम टाइम पे क्या है सेमिनार ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, जिससे टीचर को ये समझाया जा सके कि आप इससे अपनी टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हो, ये क्यों यूज़फुल है, किस लिए यूज़फुल नहीं है, ये सारी चीज़ें टीचर्स को टाइम टाइम पे बता देनी चाहिए, जिससे टीचर भी क्या है थोड़े एक्टिव रहे और उनके अंदर भी अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए एक क्रियोसिटी या इतनी इच्छाएं जागरूक हो, इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, उसके बाद टीचर्स गाइड के अंदर कोई भी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कठिन बिंदु है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उनको प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया जाना चाहिए, मतलब उसको इतने अट्रैक्टिव टाइप से उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि किसी भी टीचर को वो एक बार पढ़ते ही क्या है समझ में आ जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा इसका करेक्टरिस्टिक्स का, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, कि जिस भी टीचर के लिए, जिस लेवल के लिए मार्गदर्शिका यानी कि गाइड बनाई जा रही है, उस
लेवल और उस कक्षा का सारा पाठ्यक्रम उस गाइड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर उस गाइड के अंदर वो सारा पाठ्यक्रम नहीं है जो हमें पढ़ाना है क्लासरूम के अंदर, तो क्या फ़ायदा। मतलब टीचर को क्या सिर्फ टेक्निक और स्किल्स सीखनी है, ये तो उसने अपनी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में भी सीखी होगी ना, तो अभी क्या यूजेज है, अभी गाइड का क्या यूज़ है। फिर वो क्लासरूम में क्या है, बच्चों से बुक मांगेंगी, क्लासरूम के अंदर क्या अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए टीचर्स गाइड के अंदर सारा का सारा उस कक्षा से रिलेटेड सारा पाठ्यक्रम होना चाहिए टीचर्स गाइड में, कि वो पहले से अपने आप के लिए प्री प्लान कर सके और अपने लेसन को अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बना सके। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यूजेस फॉर टीचर गाइड्स, मतलब शिक्षक मार्गदर्शिका का उपयोग, कि अब हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं टीचर्स गाइड का। पहला उपयोग तो यही है कि टीचर अपने लिए करती है, क्यों, कि अपनी लर्निंग को रुचिपूर्ण कैसे बनाए, इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, प्रभावी यानी कि इफ़ेक्टिव कैसे बनाए, और इतना जटिल यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए कि जो उसने ऑब्जेक्टिव्स पहले प्री प्लान किए हैं उनको अचीव करने में उसके लिए वो हेल्प करे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला यूज़ टीचर के लिए ही है कि टीचर टीचर्स गाइड का यूज़ करती है अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि जिन बिंदुओं पर पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड भी जिन पॉइंट्स पर जिन कॉन्सेप्ट्स पर टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है और उसके समझ से बाहर होते हैं, उन जटिल कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाकर इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन या वर्णन या कंक्लूजन में देकर कि टीचर के लिए इतने अच्छे तरीके से वो समझ में आए कि टीचर्स को उन पॉइंट्स के अंदर या उन कॉन्सेप्ट के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो उस लेवल पे भी जो हमारी टीचर मार्गदर्शिका होती है यानी कि टीचर्स गाइड होती है वो वहाँ पे टीचर के लिए हेल्प करती है कि जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं या ज़्यादा हार्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहे हैं या आपके एक्सप्लेनेशन से बहुत बाहर है कि इतना टाइम लगेगा पूरा पढ़ने में, तो उनको एक कंक्लूज़न और एक इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन हो कि आप बहुत अच्छे से बच्चों के लिए वो पहले खुद के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सके। एंड थर्ड, इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा यूजेस में निर्देशिका, कि टीचर्स को अपनी टीचर्स गाइड के अकॉर्डिंग ये बात भी पता चलती है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या स्किल चेंज हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कंटेंट चेंज हो जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है, बुक्स चेंज हो जाती है, पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी टीचिंग स्किल भी बदल जाती हैं, बाकी चीज़ें भी बदल जाती हैं और हमारी टीचर्स गाइड भी बदल जाती है। तो जो हमारी टीचर्स गाइड होती है उसके अंदर पहले से ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये चीज़ें इतने रूप में चेंज हो गई है, ये चीज़ इतने रूप में चेंज हो गई है, आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है या आपको इसको ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, तो एज अ टीचर, टीचर को भी ये बात पता चलती रहती है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस लेवल पे हो रहे हैं, किस वे में हो रहे हैं और उसका टीचिंग पे क्या असर पड़ रहा है, लर्निंग पे क्या असर पड़ रहा है। अगर ये चीज़ को मैं यहाँ पे कम कर दूँ तो इस रूप में मैं अच्छी टीचिंग करवा सकती हूँ, या इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा कर दूँ अपनी टीचिंग में तो इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे टीचिंग मैं करवा सकती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है। अब इसमें हमने अभी क्या पढ़ लिए, हमने अपने दो पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट था हमारा टेक्स्ट बुक, सेकेंड था हमारा टीचर्स गाइड, देन अब आता है हमारा वर्कबुक। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, जो थर्ड हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि वर्कबुक यानी कि कार्य पुस्तक। ठीक है, अब कार्य पुस्तक क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है। देखो, पहला तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कार्य यानी कि वर्क, जिसके अंदर बच्चों को कुछ ना कुछ
काम दिया जाए। अब वो काम किसी भी रूप में हो सकता है, डायग्राम बनाना, चार्ट बनाना, पिक्चर्स को फिल करना। आपने पुरानी प्राइमरी क्लासेस में बच्चों की वर्कबुक देखी होंगी या कुछ ऐसी बुक्स देखी होंगी जिनके अंदर कुछ डायग्राम्स होते हैं कि ये आपका बादल हो गया, ये आपका ट्री हो गया। तो बच्चे क्या है कि उसमें कलर करते हैं। कलर कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये ट्री है तो यहाँ पे पत्तियों में ग्रीन कलर करना है, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी टहनी है या तना है तो यहाँ पे क्या करना है, उसको ब्राउन कलर करना है। तो इससे क्या है, बच्चों को नॉलेज होती है कि पेड़ों की पत्तियों का कलर हरा होता है और उसके छाल का कलर क्या है, ब्राउन होता है, बादल का कलर स्काई ब्लू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ बताती हैं वर्कबुक आपको, कि बच्चों का जो मेंटल लेवल है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो इनके अनुसार या बाकी जो उसकी डेली लाइफ रिलेटेड नॉलेज है वो वर्कबुक के अनुसार क्या है, बढ़ानी है, ठीक है। तो वो हमारी यूज़ होती है वर्कबुक। यानी कि वर्कबुक में क्या होता है, सबसे पहली बात कि बच्चों को खेल खेल के द्वारा सिखाया जाता है। अगर आप बच्चों को ऐसे बताओ कि बच्चों आपको पता है कि आपके बादलों का कलर क्या होता है, क्या किस चीज़ का कलर होता है ये वो, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। वो सुन भी लेंगे तो शायद एक टाइम के बाद भूल जाए, लेकिन अगर वो वर्कबुक के अंदर आप पिक्चराइज करके उन्हें दोगे कि ये देखो बादल है। आपने देखे है ना, जब आप छत पे सोते हो या बाहर जाते हो, अपनी छत पे खड़े होते हो, तो ऊपर आसमान में कुछ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, वो बादल होते हैं। किस कलर के होते हैं, तो बच्चे आपको खुद बताएंगे कि मैम वो थोड़े ब्लू वाइट ऐसे होते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि वो स्काई ब्लू कलर के होते हैं। तो आप इनमें चलो स्काई ब्लू कलर अपनी जो आपके कलर्स हैं उनमें से ढूंढ के इसमें फिल करो, ठीक है। तो बच्चे क्या है उसको खेल खेल में सीखेंगे, ठीक है। तो वर्कबुक आपकी यूज़ होती है कि बच्चों को खेल खेल के द्वारा सिखाया जाए, ठीक है। और दूसरी बात, वर्कबुक जो होती है आपकी ज़्यादातर छोटी कक्षाओं के लिए बनाई जाती है। वर्कबुक आपकी बड़ी क्लासेस के लिए, एलिमेंट्री लेवल्स के लिए नहीं होती है। ये बेसिकली प्राइमरी लेवल के लिए होती है, आपकी प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है, जो छात्रों को कला में निपुण करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर बच्चों की डेली लाइफ रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, उनमें स्किल्स बच्चों की डेवलप करनी या बच्चों की कला में निपुणता करनी, यानी कि तो आप किसके थ्रू, डायग्राम्स वगैरह के थ्रू क्या है, कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी सेशन पे आपको पता है बच्चों का मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आप ऐसे बता दो कि ताजमहल ऐसा है वैसा है ये है, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आप उसको ड्राइंग के थ्रू समझाओगे, कलर्स करके समझाओगे, उसकी शेप दिखाओगे डायग्राम्स में, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर पक्षियों, जानवरों, रोज जो हमारी प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, उनको चित्रों का प्रयोग करके विषय वस्तु का अभ्यास कराया जाता है। जैसे मैं अभी आपके साथ बात ही कर रही हूँ कि जो भी कंटेंट होता है बच्चे का उस लेवल पे, कि बच्चों को इस बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ट्री का एग्जांपल लिया कि बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ट्री किस कलर का होता है, उसकी पत्तियाँ किस कलर की होती है, तना छल उसकी डालें किस कलर की होती हैं, पेड़ का तना किस कलर का होता है, फ्लावर्स किस कलर में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है बच्चों को पता होना चाहिए। अब जैसे गुलाब के फूल हैं, गुलाब के फूल अलग अलग होते हैं, ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, ये येलो भी होता है, वाइट भी होता है, गेंदे का फूल आपको येलो ही मिलेगा, तो बच्चे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि गेंदे का फूल आपका सनफ्लावर वगैरह इस कलर में होते हैं, रोजेस इस कलर में होते हैं। तो इसीलिए आप उनको कैसे सिखा सकते हो, वर्कबुक के अकॉर्डिंग सिखा सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें वो अपनी डेली लाइफ में भी देख रहे हैं और जब उसी को पिक्चराइज करेंगे वहाँ पे, तो वो उन्हें एकदम से याद करेंगे कि यस ये मैंने अपने टेरिस पे देखा है, मेरे घर पे इसका प्लांट है, ओके आपने देखा है तो कौन से कलर में देखा है, मेरे घर पे रेड कलर में है रोज़, तो आप चलो इसमें रेड कलर भर दो। आप फिर बाद में बता सकते हो कि रोजेस और भी कलर्स के आते हैं, ठीक है।
तो वर्कबुक के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चों को खेल खेल के द्वारा सिखाया जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा चित्रों के माध्यम से, जैसे पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य और उनसे रिलेटेड चित्रण किया जाता है, जिसमें वो कलर्स भर के उनका चित्र बना के सीखते हैं। उसके बाद वर्तमान समय में दिल्ली के प्रत्येक विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं के लिए कार्य पुस्तिका बुक अनिवार्य है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अलावा कई ऐसे शहरों में या जगहों पर जो आपकी कार्य बुक है यानी कि वर्कबुक है वो इतनी कंपलसरी नहीं है कि आपको पढ़नी है, कुछ जगह पर है ही नहीं, कुछ जगह पर दे देते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सभी प्राइमरी लेवल्स पे यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल पे आपकी वो वर्कबुक जो होती है वो कंपलसरी है बच्चों के लिए होनी, ठीक है। अब बात करते हैं कार्य पुस्तक की विशेषताएं यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कबुक, ठीक है, कि वर्कबुक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब एक चीज़ याद रखना, मेन पॉइंट है कि वर्कबुक आपको पता चल गया किस लेवल के लिए बनाई जाती है, फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी लेवल के लिए, और क्या चीज़ पे फोकस किया जाता है, बच्चे की कला निपुणता करने के लिए यानी कि उसकी स्किल्स डेवलप करने के लिए, ड्राइंग वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रख के सोचिए कि वर्कबुक की विशेषताएँ क्या क्या होंगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उसके अंदर चीज़ें रखी गई हैं, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि वर्कबुक के अंदर कुछ बिंदु और बिंदु रेखाओं का प्रयोग किया जाता है यानी कि डॉट्स का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिससे उनको जोड़ते हुए बच्चा क्या है, कृतियाँ बना सकता है, आकृति बना सकता है जो वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैथ से रिलेटेड हो सकती है, जो बच्चे की मैथ्स की डायग्राम्स को समझने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि बच्चे को अगर ट्रायंगल बताना है तो आपने क्या किया, बच्चों की वर्कबुक के अंदर इस टाइप से कुछ डायग्राम दिए होते हैं जो उनको मैथ्स की आकृति समझने में हेल्प करते हैं या किसी भी ड्राइंग को समझने में हेल्प करते हैं, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, डॉट्स का यूज़ किया जाता है यानी कि बिंदु और बिंदु रेखाओं का प्रयोग किया जाता है कि कहीं पर ऐसे ऐसे डॉट्स भी हो सकते हैं और कहीं पर ऐसे ऐसे रेखाएँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इनको जॉइंट करते हुए बच्चे उन आकृतियों को पूरा करते हैं और उनको पता चलता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जब बच्चे देखते हैं कि आप इसको ट्रायंगल को या त्रिभुज को पूरा करो, ये बनाओ, ये ट्रायंगल है आपका, ये सर्कल है आपका, तो बच्चे जब इसको पूरा करेंगे ऐसे करके डॉट्स को मिलाते हुए, तो बच्चे क्या देखेंगे कि ट्रायंगल किस शेप का होता है, इस शेप का, सर्कल किस शेप का होता है हमारा, इस शेप का। तो बच्चे अपने वर्कबुक के अकॉर्डिंग उन डॉट्स को, उन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए मैथ्स की आकृतियाँ या एनवायरनमेंट या साइंस में ट्रीज, फ्लावर्स, इन सब के बारे में क्या है, पहचान पाएंगे। इसके बाद आता है कि कार्य पुस्तिका के अंदर रिक्त स्थानों को भरवा कर जो आपके वर्कबुक होती है उसके अंदर फिलिंग दी ब्लैंक्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीज़ें रखी होती है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, उनको फिल करवा के क्या किया जाता है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की आयतें बताई जाती हैं, गोलाकार वस्तुएं बताई जाती हैं, त्रिभुजाकार यानी कि वही ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारी शेप्स बताई जाती हैं मैथ्स के अंदर। साइंस में क्या किया जाता है, साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वर्कबुक के अंदर पहला करेक्टरिस्टिक्स ये था कि वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे डॉट्स और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या है सीख सके, खुद कलाकृति बनाकर, ठीक है। और सेकंड पॉइंट कि फिलिंग दी ब्लैंक्स का यूज़ हो सकता है उसके अंदर, वर्कबुक के अंदर, कि फिलिंग दी ब्लैंक के अकॉर्डिंग उनको फिल करवा के बच्चे क्या है किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक को सीख सकते हैं।
वर्कबुक के अंदर जो एक पॉइंट ये आता है कि वर्कबुक केवल स्पेशली आपको वर्कबुक प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, उससे अलग जो एक बुक होती है आपके पास वो कंटेंट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है आपकी। पहले आप बच्चे को उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, कंटेंट पढ़ाओगे, देन क्या करोगे, देन आप बच्चे की टीचिंग कर मतलब जो वर्कबुक है उसको यूज़ करते हुए उसको ईजी तरीके से प्रैक्टिस करवाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि वर्कबुक के अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि बच्चे के लिए बार बार अभ्यास का ऑप्शन होना चाहिए कि बच्चा बार बार प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। ये नहीं कि एक बार पढ़ा दिया, एक बार देख लिया, बात ख़त्म हो गई। तो वर्कबुक ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को अधिक से अधिक अवसर मिले अभ्यास करने के, और अधिक से अधिक उससे छात्र क्या है आनंद ग्रहण करें, मतलब किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट ले सके। इतना भी नहीं कि बच्चे को वो बोरिंग लगने लगे, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, कितनी बार करूँ यार, मैं तो बोर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए वर्कबुक ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। बच्चा एक काम को अगर बार बार कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर रहा है, तो आप ऐसी चीज़ें रखिए वर्कबुक के अंदर जो अलग अलग तरीके से कराई जा सके। ज़रूरी नहीं है ना आप बस एक वे में खिचड़ी पका दो, एक चीज़ को अलग अलग तरीके से भी करवा सकते हो। तो इसीलिए वर्कबुक इतनी इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि बच्चा उससे बोरियत महसूस ना करे, ठीक है। उसके बाद जो क्रियाकलाप वर्कबुक के अंदर रखे गए हैं, मतलब वर्कबुक के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो एक्टिविटीज़, जो भी कंटेंट रखा है, वो बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे बच्चा उसको आसानी से सीख सके अपने लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कार्यपुस्तक में दिए गए निर्देश, यानी कि वर्कबुक के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो इतने सरल लैंग्वेज में यानी कि इजी लैंग्वेज में होने चाहिए कि सभी बच्चों को समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके आपने वो देखा होगा जैसे बड़े बच्चों के लिए जब आप कंपस के थ्रू उनको डायग्राम बनाना सिखाते हैं, एंगल बनाना सिखाते हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या करते हैं कंपस के थ्रू कि कैसे ब्लैक बोर्ड पे सिखाया जाता है, बड़ा वाला कंपस यूज़ करते हैं कि ये आपकी लाइन है, इस पॉइंट पे आपको कंपस रखना है, देन यहाँ से ऐसे सर्कल एक लेना है, देन एक कट लेना है, एक कट लेना है, एक कट, फिर उसको ऐसे डॉटेड डॉटेड आपका ये वाला बनेगा, यहाँ पे ये एंगल बनेगा, यहाँ पे ये एंगल बनेगा, ऐसे बताते हैं ना। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का ये है कि वर्कबुक के अंदर और आपने देखा होगा जब ये एंगल बनाए जाते हैं वहाँ पे, तो एंगल के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं, याद है ना, कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे, टेक अ पॉइंट एंड वहाँ पे कंपास रखो एंड ड्रॉ अ कट ऑन द सर्कल, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड जॉइन द या मार्क द सर्कल या जॉइन द लाइन, ऐसे करके फिर आपका वो 30 बन जाएगा। तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सारे। तो इसीलिए वर्कबुक के अंदर जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं, जिससे बच्चों को कुछ चीज़ ड्रॉ करनी है, कुछ लाइंस को कंप्लीट करना है, फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल करना है, वो इतना इजी लैंग्वेज में हो कि टीचर भी उनको अच्छे से समझा सके और बच्चा भी क्या है इजी वे में अपनी समझ के अनुसार उसे रख सके। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि लास्टली हर वर्कबुक के अंदर एक इवैल्यूएशन का पॉइंट भी होना चाहिए कि हर पार्ट के अंदर आपने पार्ट एक पढ़ा, लास्ट में इवैल्यूएशन के जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप उससे बच्चों को इवैल्यूएट कर पाए कि बच्चों ने क्या चीज़ सीखी, क्या नहीं सीखी। अगर आपने बच्चों को ट्रायंगल और सर्कल बनाना ड्रॉ से सिखा दिया, बच्चे ने क्या किया, इन डॉट्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल बन गया, इन जॉइंट्स को ड्रॉ करके सर्कल बन गया, ठीक है। लेकिन जब आप बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं या बच्चे से पूछ रहे हैं कि ये वाली शेप कौन सी होती है, तो उनको पता ही नहीं कौन सी होती है, ये कौन सी होती है उनको ये भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसके सामने लिखा नाम तो वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उनको तो सिर्फ लाइन्स ही ज्वाइन कर ली थी, मुझे क्या पता ये क्या लिखा है। तो इसीलिए आपको
खेल पर तो ध्यान देना है, लेकिन खेल पर बच्चों के इतने ध्यान नहीं देना है कि वो खेल में ही गुम हो जाए। बाकी जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर ध्यान ही ना दे। तो इसीलिए आपको वर्कबुक के अंदर एक इवैल्यूएशन का पार्ट भी रखना है हर पार्ट के अंत में, हर चैप्टर के लास्ट में, कि आप बच्चों को अप्रोप्रिएट तरीके से इवैल्यूएट कर पाएँ कि उनको इन डायग्राम्स का यूजेस पता चला, ये डायग्राम क्या है, किसको क्या नाम दिया गया है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका कार्य पुस्तक के उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ वर्कबुक। ठीक है, अब यूजेस पढ़ लेते हैं कि यूजेस क्या है वर्कबुक के। पहला यूज है शिक्षण विधि को, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना, इफेक्टिव बनाना और इतना रुचिकर, मतलब वही इंटरेस्टिंग बनाना कि बच्चे इजी वे में उसको सीख जाए। ठीक है, इसीलिए क्या है हम वर्कबुक का यूज़ करते हैं और वर्कबुक का निर्माण करते हैं कि जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके बच्चों के लिए, वो एक बोरिंग तरीके से किसी भी चीज़ को लर्न ना करे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो भी टीचिंग से रिलेटेड आपके मेन प्री प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में वर्कबुक आपकी हेल्प करे। वहाँ पे वर्कबुक का यूज़ किया जाता है कि आपको मैथ्स पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, जो भी पढ़ानी है, कला करनी है, तो बच्चे की स्किल्स डेवलप हो सके, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, बच्चा डायग्राम बनाना सीख सके, बच्चा कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर सके, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चा अपने अकॉर्डिंग कर सके। और उसके बाद बच्चे के अंदर जो है वर्कबुक इसलिए भी यूज़ की जाती है कि बच्चा क्या है वर्कबुक का यूज़ करके अपना आत्मसंतोष प्राप्त कर सके, मतलब उसके लिए हैप्पीनेस मिल सके कि हाँ ये चीज़ मैंने सीखी है, खेल खेल में ही करी है लेकिन मुझे इसकी नॉलेज है। मतलब ये नहीं है कि मैंने खेल खेल लिया, बात ख़त्म, घर जाना है, छुट्टी हो गई। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीज़ें वो होनी चाहिए कि बच्चे को आत्मसंतोष भी प्राप्त हो, लास्ट में बच्चा हैप्पी भी हो, अपने आप से एग्री हो कि मैंने ये चीज़ सीखी है तो ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। और वर्कबुक का इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि बच्चों को ड्राइंग के लिए, यानी कि चित्रकला के टूवर्ड्स क्या है, बच्चों को ध्यान दिया जा सके, मतलब बच्चों की स्किल डेवलप की जा सके और चित्रकला के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न की जा सके, मतलब ड्राइंग के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। कि आपने प्राइमरी क्लासेस में आई थिंक सिक्स तक तो कंपलसरी, आई थिंक सिक्स क्लासेस तक कंपलसरी है ड्राइंग का पीरियड होना। ठीक है, उसके बाद शायद सेवन्थ और एट्थ क्लासेस में ड्राइंग का पीरियड नहीं होता है, बट सिक्स क्लासेस तक ये कंपलसरी रखा जाता है ड्राइंग का पीरियड। तो वो ड्राइंग का पीरियड क्यों रखा जाता है, जिससे बच्चों के लिए कला की भावना जागृत हो सके, एक नई चीज़ बच्चों को पता चल सके कि चित्र क्या होते हैं, उसमें कलर्स क्या होते हैं, रंग भरना या चित्रों को पूरा करना या उनके भाव क्या होते हैं, वो अपने आप की फीलिंग्स में कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए, कोई भी आप बच्चों को सजीव या निर्जीव चीज़ें बता रहे हो, क्या वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर किसी की अपनी एक वैल्यू होती है, एक प्लेस होता है लाइफ में। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप बच्चों से उसकी ड्राइंग करवा रहे हैं, कला करवा रहे हैं, एक मेज है, मेज के बारे में यानी कि टेबल के बारे में बच्चा जानता है या उसको ड्राइंग कर रहा है, उसके पर्पस कलर के बारे में, शेप के बारे में जानता है, तो बच्चे को ये चीज़ भी पता है कि ऐसी चीज़ मैंने अपने घर पर भी देखी है, वो किस चीज़ में यूज़ की जाती है, जो फ्लावर्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, उसका भाव क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। हम बोलते हैं ना रात में पेड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, शाम होते ही पौधों की टहनियों को या फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें भी दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है बच्चों को वर्कबुक के अकॉर्डिंग पता चलती है, वो उससे कनेक्ट होते हैं कि किसी भी चीज़ के भाव क्या होते हैं और किसी भी चीज़ को कैसे किस पर्पज़ पे देखा जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि वर्कबुक का
इस वे में भी यूज किया जाता है कि समय का कैसे सदुपयोग करना है। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी चीज को अगर कम टाइम में हम कर सकते हैं तो उसी चीज के लिए ज्यादा टाइम क्यों देना, वो तो वेस्ट है ना। तो आप ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हो उसी चीज को, अगर आप कम समय में सीख रहे हो, कम टाइम दे रहे हो, तो आप वो वाली चीज यूज करो कि आप कम समय दे पाओ, कम टाइम में किसी चीज को सीख पाओ। तो वर्कबुक का यूज इसलिए भी किया जाता है कि बच्चे उससे बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत कम समय में सीख लेते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है इसमें वर्कबुक के यूज में कि वर्कबुक का यूज हम बच्चों को बिजी रखने में, यानी कि उनको व्यस्त रखने में यूज करते हैं। कि वर्कबुक अगर मान लीजिए क्लास में भी पढ़ाने का मन नहीं है या टीचिंग हो गई है, तो बच्चे क्या करेंगे, आपस में गॉसिप करेंगे, छेड़खानियाँ करेंगे, परेशान करेंगे अगर टीचर कोई काम कर रही है। तो टीचर क्या करेगी, उनकी वर्कबुक ओपन करवाएगी, चलो चैप्टर इसमें सेकंड निकालो, ये जो डायग्राम्स दिए गए हैं इनको पहले पूरा करो, देन उनमें कलर्स फिल करो, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को एक शेड्यूल में बिजी कर देंगे और उसी के साथ साथ अपने आप में डिसिप्लिन रहेंगे, अनुशासन में नियंत्रित रहेंगे। टीचर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन वाली भावना जागृत करने के लिए वर्कबुक का भी यूज़ करती है कि बच्चे क्या है उससे डिसिप्लिन रहेंगे, अपनी चेयर पे बैठेंगे, आराम से अपनी वर्कबुक में कलर फिल्स करेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे और एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट भी करेंगे। अगर कोई आपका कली मतलब फ्रेंड है, क्लासमेट है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि यार इस वाली डायग्राम में कौन सा कलर आएगा मुझे पता नहीं चल रहा, तो आप उसको वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं अगर बच्चे को पता है तो। ठीक है, तो एक सपोर्ट करना, हेल्प करना, और आप टीचर से पूछ सकते हैं, और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना हम वर्कबुक के यूजेस के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्कबुक का ऑप्शन भी फिनिश होता है। यहाँ पे हमने वर्कबुक भी सीख लिया। अब हमने इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं अपने, टेक्स्ट बुक, टीचर गाइड्स और वर्कबुक। ठीक है, इसके बाद हम सप्लीमेंट्री बुक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये वाली वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।